Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Pens Tarot Hindi Urdu और ये है आपके लिए नई रीडिंग. आपके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है लव करियर के अंदर फॉर अर्थ साइंस कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. एज मैजिक पेंस टैरो पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट. एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. ऑल्सो फ्रेंड्स, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो. आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प भी करेगी. अपनी पर्सनल रीडिंग्स प्लीज़, अगर आपने अभी तक 2022 की बाय नहीं करी है, कर लो. आई वॉज कम्प्लीटली बुक्ड, सो काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग्स नहीं हो पाई हैं. सो प्लीज़ आप बाय कर सकते हो, या कोई भी और रीडिंग्स आप बाय कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू. और कोई इंफॉर्मेशन तो फिलहाल नहीं है. सो लेट्स सी अर्थ साइंस व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू. What is the theme for earth signs? Wow, four of wands and the five of pentacles and oh my god, earth signs, the shadow. Okay, so कहाँ से शुरू करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें. तो आई डू फील आप लोगों को कुछ मनी इशूज़ हो रहे हैं या सिक्योरिटी इशूज़ हो रहे हैं राइट नाउ. एंड आई डू फील के आपको ऐसा लग सकता है यू आर स्ट्रगलिंग और लाइफ इज़ अ स्ट्रगल. यू नो, बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा, चीज़ें नहीं मिल रही, प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही है. रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स, ऑल इज़ गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू. फोर ऑफ वॉन्स, येस आई डू फील आप लोगों को, अगर कुछ लोगों को आपको शादी की प्रॉब्लम्स हैं या चिंता है, तो वहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिलने वाले हैं. हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम. I also see partnerships, business partnerships or good partnerships at your work, in your love life also. I also feel this is कि आपके लिए happy times आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, happiness आ रही है. और ये जो बहुत सारी चिंता है, इससे एक freedom मिलने वाली है. अभी आप बहुत सारे एक अजीब से loop में बंधे हुए लग रहे हो. The shadow, yes, I do feel आप लोग बहुत एक strong, intense energy के अंदर हो right now. और ये एनर्जी थोड़े टाइम के लिए रहेगी फ्रेंड्स, बट यू नो इवेंचुअली जो है आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं फ्रेंड्स. आई वुड से के यू आर गोइंग थ्रू अ टाइम पीरियड फ्रेंड्स अर्थ साइंस, जहाँ पे यू मे फील ओवर ऑब्सेस्ड अबाउट योर वर्क, योर करियर, मनी इश्यूज़, या ओवर ऑब्सेस्ड अबाउट अ पर्सन. आई डू फील थोड़ा सा आपको या तो जो फियर्स हैं वो ज़्यादा लग सकते हैं, या स्ट्रगल्स, यू नो लाइफ ज़्यादा नेगेटिव लग सकती है इस टाइम पर, बट आपको इससे रिलीफ मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू फाइंड रिलीफ. ऑल्सो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं अभी, तो आपको उनसे भी रिलीफ मिलने वाला है. फोर ऑफ वॉन्स इज हैप्पीनेस, हेल्थ, रिटर्निंग बैक टू यूनिटी, रिटर्निंग बैक जहाँ पे वो सब चीज़ें सही हैं. जो यू नो, जैसे होता है कि हम कहीं बाहर गए थे घूमने और वहाँ बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप जब वापस घर आते हो तो ऐसा लगता है आहा, घर आ गए वापस. तो यू आर कमिंग बैक होम, सो कंग्रेचुलेशंस. आपको रिलीफ मिलने वाला है और ढेर सारा प्यार मोहब्बत भी. ओ माई गॉड, येस आई डू फील आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है आप लोग राइट नाउ, इंटेंस फीलिंग्स हैं, बट इनसे आपको रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स. इतना डोंट बी सो इंटेंस अबाउट थिंग्स, यू नो सब चीज़ें वर्कआउट हो जाती है लाइफ में. लाइफ को इवेंचुअली आपने देखा है, हर चीज़ वर्क्स आउट, यू नो. सो या लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ अर्थ साइंस. व्हाट्स हैपनिंग फॉर अर्थ साइंस इन देयर लव लाइफ. हु इज कमिंग. ओके, कैन वी हैव फ्यू कार्ड्स प्लीज. ओके, व्हाट इज द ब्लॉक. व्हाट इज द ब्लेसिंग एंड व्हाट्स द आउटकम. So let's see earth signs, let's see. I do feel के a very strong person is coming आपके लिए. बहुत ही, I feel this is your twin flame, this person is very important for you. I also feel ये बहुत ही positive person है, या बहुत ही you know, अगर आप बिल्कुल single हो, this is somebody new coming for you. I also feel this could be a twin flame or soulmate जिसका आपको इंतज़ार है. Five of Swords, yes, I do feel कि ये person जो है आपकी life में, आपकी जो सोच विचार negativity चल रही है, या जो patterns चल रहे हैं, या जो भी चल रहा है उससे आपको free करने आ रहे हैं. Nine of Pentacles, yes, I do feel ये person बहुत independent है, बहुत ही ज़्यादा
सक्सेसफुल भी हैं। आई ऑल्सो फील हो सकता है लव के साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप या वर्क या कुछ आपको सजेशंस भी दे सकें ये वर्क और करियर को लेके या लाइफ को लेके। वेरी इंडिपेंडेंट वेरी सक्सेसफुल पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी द ब्लॉक। द ब्लॉक विल बी फैमिली कमिटमेंट। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली अप्रूव ना करे या पेरेंट्स अप्रूव ना करें। आप लोग डिफरेंट रिलीजन कल्चर के हो सकते हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो या वो पर्सन मैरिड है। दैट विल बी अ ब्लॉक आई फील। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आपको इनसे मिलने के बाद लगे दैट यू नीड मोर टाइम इनको जानने का पहचानने का या आपको जो सिचुएशन में आप चल रहे हो ऐसा हो सकता है मीटिंग द राइट पर्सन एट द रॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज ऐसा लग रहा है आप किसी एक मिड समर नाइट्स ड्रीम में हो। अगर आपने शेक्सपियर पढ़ा हो तो मिड समर नाइट्स ड्रीम इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्ले। एंड यू नो ऐसा लग रहा है आप किसी एक प्रोसेस में हो और ये पर्सन अचानक आपकी लाइफ में आ गए एंड यू आर लाइक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मेरे पास अभी टाइम की कमी है। सो ये एक ब्लॉक हो सकता है। आई ऑल्सो फील कमिटमेंट को लेके कुछ इशूज़ हो सकते हैं। वॉट इज़ द ब्लेसिंग लेट्स सी दैट। ओ वाओ आई फील द ब्लेसिंग इज़ ये पर्सन जो है आपके टूटे दिल को राहत और सुकून लेके आएगा। ये पर्सन जो है आपके जितने भी दर्द हैं उनको पूरी तरह से एक बाम की तरह यू नो दे विल हील यू दे विल मेक यू फील हैप्पी द वर्ल्ड। येस आई फील ये पर्सन दूसरी सिटी कंट्री से हैं या किसी और यू नो आपसे दूर रहते हैं आपसे डिफरेंट हैं थोड़े से। हो सकता है एज गैप भी हो डिफरेंट रिलीजन कल्चर भी लग रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स। येस आई डू फील कि हो सकता है ये वर्क के थ्रू मिले आपको या ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर सकते हैं इन योर वर्क इन योर करियर या लाइफ को लेके या पैसों को लेके। सो येस दे कैन हेल्प यू आउट अ लॉट। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आएंगे टू बैलेंस योर लाइफ इन सम वे। सो दैट विल बी ग्रेट। सो लेट अस सी द आउटकम। ओ वाओ फाइव ऑफ कप्स। आई डू फील कि आई डोंट नो वाई बट हो सकता है ये पर्सन को आप पहले से जानते हो फ्रेंड्स। सो यू मे फील लाइक यू नो यू आर मिसिंग समबडी फ्रॉम द पास्ट। ऐसा लग सकता है आपको यू नो लाइक आई डोंट नो इट्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग। आपको थोड़े लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। आपको ऐसा लग सकता है कि या तो ये पर्सन किसी पास्ट पर्सन जैसे हैं सो यू काइंड ऑफ मिस दैट पास्ट पर्सन या हो सकता है दैट यू नो यू मे नीड मोर एक्स्ट्रा टाइम टू नो दैम द हर्मिट। या आई डू फील कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा इनको जानने पहचानने में। आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो। टू ऑफ वॉन्स। येस यू वॉन्ट टू बी मैच्योर यू वॉन्ट टू बी देयर फॉर दिस पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्स। एरीज लियो सैज हो सकते हैं ये पर्सन। आई ऑल्सो फील ये हो सकता है कि यू मे फील कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर भी यू नो यू नीड अ लिटिल मोर टाइम। या आई ऑल्सो फील कि ये हो सकता है पास्ट पर्सन हो आपके। सो यू मे फील अ लिटिल डिसअपॉइंटेड के ओ वाओ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल बट फिर भी हम पास में तो लड़े झगड़े थे ही राइट। सो दैट कैन ऑल्सो बी देयर। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू। अर्थ साइंस एडवाइस फॉर देम। ओ ट्रस्ट। ओके सो यार फ्रेंड्स आई फील आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज समटाइम्स क्या है कि आप जिस एनर्जी में हो द डेविल की समटाइम्स यू नो इट्स वेरी हार्ड टू सी के फ्यूचर कैसा होगा। यू नो हम कई बार हमें मानना ही पड़ता है कि फ्यूचर अच्छा होगा और हम उस पर एक्ट कर लेते हैं। तो आप मान लो और विश्वास कर लो एंड यू नो दैट विल चेंज योर लाइफ। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। येस आई डू फील के वो कनेक्शंस आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए ज़रूरी हैं। पास से भी लोग आ रहे हैं वापस। आई डू फील के देर इज़ अ पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है या आप उनको लेके ऑब्सेस्ड हो। चेंज योर फोकस। येस आई डू फील कि आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है लव लाइफ को लेके। यू नीड टू फील पॉजिटिव बिकॉज अदरवाइज जो है सबसे अच्छी रिलेशनशिप को भी आपको लग सकता है कि इट मे नॉट वर्क आउट। एंड लीड। येस यू आर अ लीडर। बिलीव इन योर पावर फ्रेंड्स। प्लीज बिलीव इन योर पावर एंड लेट्स सी हाउ योर वर्क एंड करियर विल बी। ओके मैनिफेस्ट फील and rebuild. Wow, interesting. So yeah, I do feel friends आप लोग अपने work को career पर बहुत बहुत ज़्यादा obsessed हो बहुत ज़्यादा focus कर रहे हो। you want to manifest success in your life.
आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा बनना है, बहुत सारा सक्सेस भी चाहिए। एंड आई फील कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सही जा रहे हो, आप सही कर रहे हो, जस्ट ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा मैटर ऑफ टाइम है। ऑल्सो आई डू फील कि आप जितना अपने इंट्यूशन की सुनो उतना अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलने वाले हैं। ऑल्सो कुछ नया करने के लिए बी रेडी, बिकॉज आपको जो ये चेन्स हैं इनको तोड़ना है। यू नो, अगर आप कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स में हो, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्शंस, तो ये सब छोड़ने हैं। यू हैव टू कीप योर हेल्थ अ प्रायोरिटी फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आपको हेल्थ अपनी ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। सो ओ गॉड, समटाइम्स आई टॉक लाइक अ मदर, आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स द एंजल्स जो मुझे बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। सो या आई डू फील, अगर आप हो सकता है ऐसे कुछ इश्यूज़ हो रहे हो कि नहीं हमारा तो सक्सेस नहीं आएगा, हम यू नो, या कॉफ़ी एडिक्शंस या खाने पे एडिक्शंस, तो ये सब थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड येस, आपकी लाइफ जो है एक रीबिल्ड से गुजर रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर ब्राइट है, यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ रीबिल्डिंग, अ कोलैप्स, एक यूँ कहें कि चीज़ें टूट रही हैं ताकि चीज़ें जो हैं दोबारा से नई अच्छी तरह से बन सके। सो अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके वर्क और करियर में, डू नॉट फील थ्रेटन, डू नॉट फील स्केयर्ड, बिकॉज आपके हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ होगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। लेट्स सी सम एडवाइस। ओह वाओ, बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। सो येस, ये टाइम कन्फ्यूज होने का नहीं है, ज़्यादा सोच विचार करने का नहीं है, ट्रस्ट करने का है और एक्शन लेने का है। ऑल्सो स्टेपिंग इन टू योर पावर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ एंड वैंडरिंग पाथ, इन्जॉय द जर्नी। येस आई डू फील, हो सकता है जैसे आपने प्लान किया हो वैसे नहीं जा रही है लाइफ, लाइफ आपको कहीं और ले जाना चाह रही है, एंड इट्स ओके, बिकॉज अल्टीमेटली वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। सो या ओके, लेट्स सी। यू विल रिसीव अ गिफ्ट बॉक्स। सो आई डू फील कि आपको या तो कोई गिफ्ट मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, या मनी वगैरह मिलने वाली है। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्डवर्क, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा फ्रेंड्स। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और अ लेटर, येस आपको न्यूज़ जिसका वेट है मिलेगी। गुड फॉर्च्यून, येस पैसे आ रहे हैं। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम, येस फ्रेंड्स ये टाइम जो है हार्डवर्क करने का है और स्ट्रांग रहने का है। Hills, obstacles to overcome, कुछ challenges हैं पर आप easily overcome कर लोगे, और October तक I feel आपकी situations काफ़ी हद तक बदल जाएंगी। So that's it for now. Subscribe Magic Wins Tarot Hindi Urdu. Join us on Instagram to buy a personal reading. Visit our website. This is Mystic C saying bye bye.